उपमंडल टोनी देवी के तहत बढ़ते लोहाखर में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। ड्राइविंग सीखने के चक्कर में गाड़ी पहाड़ी से लुढ़क गई। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में न गाड़ी सीखने वाला बचा और न ही सिखाने वाला। किसी ने गाड़ी को पहाड़ी से गिरते देख लिया, इसके बाद शोर मचाकर लोगों को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की सहायता से दोनों को टोनी देवी अस्पताल पहुंचाया गया। यहां पर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सुखदेव सिंह 60 वर्षीय निवासी गवाडू, संसार चंद 65 वर्षीय निवासी गवाडू की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। सुखदेव सिंह बीएसएफ से सेवानिवृत्त थे। सेवानिवृत्त के बाद उन्होंने इनोवा कार ली थी। वहीं गांव के संसार चंद इन्हें गाड़ी सिखा रहे थे। गाड़ी सीखने के चक्कर में ही लोहाखर के टिहरी मोड़ से गाड़ी लुढ़क गई। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा शव को गाड़ी से बाहर निकाला। इसके बाद दोनों को टोनी देवी अस्पताल पहुंचाया गया। यहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अर्जित सेन ने की है। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने सूचित किया है कि पंजीकृत पूर्व सैनिकों के लिए आउटसोर्स आधार पर विभिन्न विभागों की भर्ती 15 फरवरी को हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के हमीरपुर स्थित मुख्यालय में की जाएगी। उन्होंने बताया कि ईएसआई अस्पताल द्वारा दिल्ली में 193 सुरक्षा गार्डों की आउटसोर्स आधार पर भर्ती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में 30 डाटा एंट्री ऑपरेटर, माता चिंतपूर्णी सदन में 20 पद, एसजेबीएन झाकड़ी वायल दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में 9 पद, सुरक्षा गार्डों के 2 पद हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद गिरिनगर नाहन गानवी जसूर ऊना भावानगर में 5 आर्म्ड सुरक्षा गार्ड एनएचपीसी कुल्लू बड़ीखेत करिया धरवाला में 8 आर्म्ड सुरक्षा गार्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा में 6 सुरक्षा गार्ड। राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बागवा में 1 महिला तथा 1 पुरुष सुरक्षाकर्मी, बार म्यूजियम धर्मशाला में 2 आर्म्ड गार्ड तथा बीबीएनबी सुंदरनगर में 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की आउटसोर्स आधार पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक पूर्व सैनिक हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के हमीरपुर स्थित मुख्यालय में 15 फरवरी को सुबह 11 बजे अपनी मूल डिस्चार्ज बुक एवं उसकी प्रतिलिपि, गन लाइसेंस और 4 पासपोर्ट फोटोग्राफ सहित भर्ती में भाग ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 23वीं बैठक को बीसी एचपीटीयू प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हाल ही में हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिए गए कई निर्णयों पर मुहर लगाई गई और उन्हें अब सरकार के पास भेजा जाएगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने तकनीकी विश्वविद्यालय में कौशल विकास के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें संचालित करने पर जोर दिया है और अनुमोदित किया कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय को तकनीकी एवं कौशल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इसका प्रस्ताव बनाकर सरकार को अनुमति के लिए भेजा जाएगा। बीओजी ने विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 जो कि 28 दिसंबर 2016 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था के कार्यान्वयन पर विचार किया। बीओजी ने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए शाम को पीजी डिप्लोमा इन योगा शुरू करने का भी निर्णय लिया। बैठक में ईआरपी, एमआईएस, ई लाइब्रेरी, डाटा सेंटर, वेब आधारित डिजिटल स्टूडियो, गेट प्रशिक्षण, कर्मचारी कौशल प्रशिक्षण आदि से संबंधित गतिविधियों को भी अनुमोदित किया गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न संकाय के लिए
एवं 12वीं के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों के पद सरकार द्वारा सृजित करने के लिए एक समिति का गठन किया जो राज्य सरकार के समक्ष इस विषय को उठाएगी। बैठक में सत्र 2020-21 से हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में PhD कार्यक्रम शुरू करने को अनुमोदित किया। बैठक में पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को उनके डिग्री कार्यक्रम में 2 अतिरिक्त क्रेडिट देकर सम्मानित करने पर भी मुहर लगाई।